बजट न्यूज अपडेट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट आज आया है। वो चौथी बार केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। आइए जानते हैं बजट की कुछ खास बातें। जनवरी 2022 में जीएसटी का कलेक्शन 1.49 लाख करोड़ रुपए। ये किसी भी महीने में जीएसटी कलेक्शन का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। कॉर्पोरेट टैक्स 18% से घटाकर 15% किया गया। कॉर्पोरेट टैक्स पर सरचार्ज भी 12% से घटाकर 7% किया गया। कंपनियों के लिए स्वेच्छा से कारोबार से बाहर होने के लिए समय सीमा 2 साल से कम कर 6 महीने की जाएगी। ECLGS योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और गारंटी कवर को 50,000 रुपए बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। रेलवे छोटे किसानों और छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा। स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला में मदद के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद होगा। बैटरी स्वैपिंग स्कीम का ऐलान। ईवी इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए इनोवेशन को बढ़ावा। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का फायदा MSME को मिलेगा। देश भर में केमिकल फ्री एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।